हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई-स्पोर्ट्स चैनल। तो गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3। तो आप अगर एसएससी, बैंक, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप आरबीआई, नाबार्ड से भी इस प्रकार के एग्जाम्स की और एफसीआई एग्जाम की तैयारी करते हैं, देन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर ऑल गवर्नमेंट स्कीम फॉर योर एग्जामिनेशन। तो पार्ट नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के बारे में। जानते हैं इसके की फैक्ट्स क्या हैं इस स्कीम के अंतर्गत। तो देखिए, वो स्टेट्स जहां पर कम मलेरिया का ट्रांसमिशन है और वो स्टेट्स जहां पर मॉडरेट लेवल पर मलेरिया एग्जिस्ट करता है भारत में, उसमें ये कहा गया है कि ऐसी स्टेट्स को चिन्हित किया गया है, ऐसी 15 स्टेट्स को जहां पर कम है और ऐसी 11 स्टेट्स को जहां पर थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसमिशन है। और यहां पर 2022 का एक टारगेट को क्या किया गया है, सेट किया गया है। उसके बाद मलेरिया के इंसिडेंस को रिड्यूस करना है 1 case per 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एक साल में अगर उस जगह पर 1000 लोग आते हैं तो वहां पर एक केस ही है, ऐसा हम लोग का टारगेट है बाय 2024 तक का ऐसा टारगेट बनाया जा रहा है। उसके बाद इंडिजीनियस ट्रांसमिशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि भारत में ही जो ट्रांसमिशन है, मतलब भारत में ही पैदा हुआ मलेरिया का जो वायरस है उस पे जो वो ज्यादा ना फैले इस पूरी एंटायर कंट्री में, इंक्लूडिंग 10 हाई ट्रांसमिशन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय 2027। तो 2027 का जो लक्ष्य रखा गया है उसके तहत इंडिजीनियस ट्रांसमिशन को रोकथाम के लिए पहल करी जाएगी। प्रिवेंट द रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकल ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। अब मान लीजिए अगर किसी एरिया में पहले मलेरिया था, सपोज करिए उसमें फिर से मलेरिया ना फैले, उसका रीएस्टैब्लिशमेंट एग्जिस्ट ना करे, ऐसे एरियाज को भी चिन्हित किया जा रहा है और वहां पर नेशनल मलेरिया फ्री स्टेटस जो कि भारत को मिला हुआ है 2030 तक और उसके बियॉन्ड भी इसको लागू किया जाएगा। तो इसके जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हैं इस मिशन के तहत वो क्या है इसके जान लेते हैं कि 2016 से 2030 तक हमें मलेरिया फ्री स्टेटस एग्जिस्ट करना है, 0 इंडिजिनियस केसेस आने चाहिए बाय 2030 इन अवर कंट्री, यानी कि भारत में पनपने वाले ही वायरस जो मलेरिया का है वो एग्जिस्ट ना करे, मेंटेन मलेरिया फ्री स्टेटस इन एरियाज वेयर मलेरिया ट्रांसमिशन हैज बीन इंटरप्टेड एंड प्रिवेंट रीइंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया, मलेरिया का रीइंट्रोडक्शन ना हो और किसी भी प्रकार का ट्रांसमिशन जो है वो ना हो जिससे हम मलेरिया फ्री स्टेटस को अचीव कर ले। उसके बाद बात करते हैं जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये सारी बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।